ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर आ चुके हैं अपनी नई मूवी जिसको सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है फाइटर को लेकर। और आज से कुछ टाइम पहले इसका एक टीजर रिलीज हुआ जो ठीक ठाक था, फिर इसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ जो स्टार्टिंग तक ठीक ठाक लगा लेकिन फिर एंड आते आते उसने हमको गूज बम्स वाली फीलिंग दे दी। एंड उसे देखने के बाद आई वॉज जेन्युइनली एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई मतलब मजा आने वाला है, नहीं तो उससे पहले तक वो सस्ती टॉपगन वाली फील बनी हुई थी। लेकिन क्या मूवी उन सारी फीलिंग्स पे खरी उतर पाई है या नहीं, आइए एक एक करके सब चीजों पर बात करना शुरू करते हैं स्टार्टिंग ऑफ विद स्टोरी। तो कहानी है शमशेर पठानिया जिसका रोल प्ले किया है ऋतिक रोशन ने और उनकी पूरी स्क्वाड एयर ड्रैगन और एक स्पेशल यूनिट है जिसको फॉर्म किया जाता है श्रीनगर में सो दैट दे कैन डू स्पेशल काइंड ऑफ थिंग्स। और क्योंकि एक स्पेशल यूनिट है जिसको इंडिया के अलग अलग कोनों से उठा करके बनाया गया है तो इनकी बॉन्डिंग पे काफी फोकस किया जाता है और क्योंकि बॉन्डिंग है तो इमोशन होगा, इमोशन है तो इमोशनल डैमेज भी होगा जो ये पिक्चर देने का काफी हद तक काम कर भी देती है क्योंकि उसी पूरी कहानी को इन लोगों ने पुलवामा अटैक के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट करने का काम भी कर दिया है। वो चीजें क्यों होती है, कैसे होती है और उनको कौन करवाता है वो सब कुछ आपको पिक्चर देखकर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर स्टोरी के बारे में बात करी जाए तो मूवी का फर्स्ट हाफ इन लोगों की इमोशनल कनेक्शन और बॉन्डिंग के ऊपर फोकस करता है, मूवी का सेकंड हाफ उसको एग्जीक्यूट करने और इसके ऊपर डिलीवर करने का काम करता है जो मुझे लगा कि ठीक ठाक था क्योंकि ये जो बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्शन वाले पार्ट थे एट टाइम्स मुझे फील हो रहे थे, एट टाइम्स मुझे नहीं भी हो रहे थे। मतलब ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स और इनकी स्क्वाड में इनकी जगह ये बहुत ही परफेक्टली अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। लेकिन इनके अलावा स्क्वाड के जितने भी मेंबर्स थे उनके साथ इतना ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हो नहीं पाया एंड दैट इज सेइंग समथिंग क्योंकि मूवी का बहुत ही बड़ा चंक है वो इमोशनल बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्शन वाला, तो अगर आपको वो चीजें फील नहीं हो पाती हैं तो फिर वो काफी मिसफायर टाइप की चीज हो जाती है। फिर इसके बाद अगर डायरेक्शन पे बात करी जाए तो मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने जो इससे पहले कई सारी पिक्चरों को डायरेक्ट कर चुके हैं और ऋतिक की भी कई सारी पिक्चरों को डायरेक्ट कर चुके हैं। और आपको मूवी में ऋतिक और दीपिका की केमिस्ट्री नजर आए ना आए, ऋतिक और सिद्धार्थ आनंद की केमिस्ट्री जरूर नजर आ जाती है स्ट्रेट फ्रॉम द सीन जहां पर ऋतिक रोशन अपने प्लेन से पहली बार जब निकल के आते हैं उनको जिस तरह की एंट्री प्रोवाइड करी गई है वो सिद्धार्थ आनंद ही कर सकते हैं क्योंकि वो पहले भी हजार लाख करोड़ बार ये काम कर चुके हैं एकदम बेहतरीन तरीके के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। जब ऋतिक रोशन उस प्लेन से निकल के आते हैं तो सिद्धार्थ आनंद को पता है कि वो क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ। फिर इसके बाद देशभक्ति इस मूवी की एक काफी बड़ी थीम है जिसको सिद्धार्थ आनंद ने काफी अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग सिनेरियोस में प्रेजेंट करने की कोशिश करी। जैसे फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन एक छोटा सा शेर पेश करते हैं तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका इतना खतरनाक है, मतलब ऋतिक रोशन की वॉइस को पहले भारी किया है फिर पेट्रियोटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उनके फोरग्राउंड में आग जल रही है तो वी नो व्हाट सिद्धार्थ आनंद इज ट्राइंग टू डू देयर। एंड ये चीज मैं बुरे टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल भी सटल नहीं है और अच्छी लगती हैं, देखने में मजा आता है, मतलब आपके अंदर की जो देशभक्ति वाली फीलिंग है उसको जगा देती है वो। फिर बीइंग एन आर्मी ऑफिसर मायसेल्फ आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस मूवी। सबसे पहले मैं ये देखना चाहता था कि कितनी सारी चीजों में इन लोगों ने एक्यूरेसी मेंटेन करके रखी होगी, तो दे हैव एक्चुअली नेल्ड डाउन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब जो एक्चुअल ऑफिसर्स के बीच में कन्वर्सेशंस होती हैं वो भी बहुत हद तक परफेक्ट है। बहुत सारे लोगों को आर्टिफिशियल फील हो रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब दो ऑफिसर्स आपस में बात करते हैं तो वो ऐसे ही बात करते हैं, मतलब उन लोगों के बीच में ब्रो ब्रो करके बात नहीं होती, दे टॉक इन ब्लडी चैप टर्म्स। तो हाँ, जो आर्मी पर्सनल की आपस में बैंटर्स होती हैं वो बहुत अच्छी रखी है उन लोगों ने, लेकिन वहीं पर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल फील हो जाती है। स्पीकिंग ऑफ विच, मुझे ऐसा भी फील हुआ कि सिद्धार्थ आनंद इस मूवी में बहुत सारी चीजों को एक साथ टैकल करने का भी ट्राई कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने हर एक कैरेक्टर को बैक स्टोरी प्रोवाइड करने का ट्राई किया है, जैसे फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन की तो है ही है, दीपिका पादुकोण की भी है, अनिल कपूर, एवरीवन हैज अ बैक स्टोरी हियर। और भले ही कुछ के साथ आप कनेक्ट कर लेते हो लेकिन कुछ के साथ उतना ज्यादा कनेक्शन फील नहीं हो पाता। और मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे होगे कि आप लोग आए हो डॉग फाइट की बात सुनने, की प्लेन उड़ाए हैं उनके बारे में बात कहा है, तो दैट इज प्रिसाइसली माय पॉइंट कि मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी वही है कि प्लेन उड़ाए गए हैं उनको कहां दिखाया आपने, क्योंकि मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग पार्ट वही था। लेकिन मूवी में उन्होंने उसका बैलेंस मेंटेन करके रखा है और उसको बहुत ज्यादा दिखाया नहीं, और वही मूवी के सबसे बेस्ट पार्ट्स हैं। मतलब ऑफ कोर्स वो सीजीआई से ही क्रिएटेड है लेकिन उसका सीजीआई एग्जीक्यूशन इतना बढ़िया है कि वो आपको फील नहीं होता। मैंने मूवी 3D में देखी थी, अगर किसी ने 2D में देखी है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन 3D में VFX CGI काफी अच्छे थे, जो डॉग फाइट वाली पूरी सीक्वेंसेस थी वो बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूटेड है, बहुत वेल एक्टेड है। ऋतिक रोशन, अनिल कपूर ये लोग जब कॉकपिट्स में होते हैं तो पूरी की पूरी टेंस सिचुएशन जो बिल्ड हो रही होती है वो एक्चुअली में हमको वैसा फील करवाते हैं कि कितनी इंटेंस सिचुएशन है और क्या कुछ हो रहा है। बस मेरी छोटी सी कंप्लेंट ये है कि ग्राउंड की कॉम्बैट एक्शन सीक्वेंस है जो हम लोगों ने ट्रेलर में भी देखी थी वो काफी हद तक पठान के क्लाइमैक्स जैसी फील होती है, बस थोड़े बहुत एक्टर्स और कैरेक्टर्स को अगर आप स्वैप कर दो तो। लेकिन फिर भी आपको सारी चीजें बता देता हूं जो आपको फाइटर देखने से पहले पता होनी चाहिए। मूवी इमोशनल कनेक्शंस पे ज्यादा फोकस करती है, अगर आप प्लेन वाली डॉग फाइटिंग एक्शन सीक्वेंसेस देखने जा रहे हो तो वो है, लेकिन उसके लिए मूवी तरसाएगी। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत तगड़ा है, सुनने में मजा आता है और वो देशभक्ति वाली जो फीलिंग है उसको बढ़िया तरीके से जगा देता है। मूवी में
इसमें एक चुम्मा चाटी वाले सीक्वेंस भी है और दो नियर मिस भी, मतलब ऐसे पास आके रुक जाने वाली, तो देख लेना मम्मी पापा के हिसाब से जैसे जैसा है। और हाँ, अगर ये बड़े पर्दे पे ढूंढते हुए जा रहे हो तो ये वाला नहीं है, ये हटा दिया उन्होंने। फिर इसके बाद इनविंसिबल के फैन टाइटल कार्ड के साथ काफी रिलेट कर पाएंगे, और जो लोग ऋतिक के फैंस हैं जैसे मैं पर्सनली, मैंने काफी इंजॉय किया मूवी को, स्पेशली ऋतिक रोशन को इतने टाइम बाद बड़े पर्दे पे देख के उनको सुकून सा मिल गया। बड़ा मजा है भाई, अब वॉर 2 के लिए इंतजार नहीं होता, जल्दी से फिर से फेंक दो अयान मुखर्जी, आई रियली वॉन्ट टू सी हिम इन अ न्यू कलर पैलेट फॉर अ चेंज, प्लीज प्लीज। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से फाइटर एक अच्छी मूवी है जिसको अगर आप थिएटर्स में जाते हो तो आप इंजॉय करोगे, एंड आई थिंक इट डिजर्व्स अ थिएटरिकल वॉच, क्योंकि जो प्लेन उड़ने वाली सीक्वेंसेज है वो देखने में मजा आएगा, प्लस ऋतिक रोशन जो वो डायलॉग्स बोलते हैं और वो जो पूरी देशभक्ति वाली फीलिंग आती है तो मजा आता है, पम्प्ड अप फील करते हुआ। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने मूवी देख ली होगी तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी, तो आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, जाने से पहले फ्लिकक्वेस्ट पे नए हो तो सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज जय हिंद, वंदे मातरम।